Hi everyone, Namkeen Sach team here. This is me, Mehak, Sahirish, Sarima. और आज हम आपके साथ में ट्रेलर देखेंगे बीच अब राधे श्याम का और इसमें कौन कौन है प्रभास है पूजा है राधे कृष्णा कुमार है हैप्पी बर्थडे प्रभास आई थिंक ये उस टाइम पे रिलीज हुई है जब उनका बर्थडे है आई थिंक 23rd अक्टूबर को है आई एम नॉट श्योर 22 अक्टूबर वो तो रिलीज हुई है okay. तो आई मीन अगर उन्होंने मेंशन किया हुआ है तो आई एम नॉट श्योर 23rd है 22 है पर प्रभास आ रहे हैं सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो उनकी मूवी आ रही है लास्ट टाइम हमने कौन सी मूवी रिएक्शन की थी जिसमें श्रद्धा थी साथ में आई डोंट रिमेम्बर बट बहुत अच्छी मूवी थी या उसे गाने उनकी एक्शंस और मतलब लव स्टोरी जो हमने ट्रेलर में देखी थी वो काफ़ी अच्छी थी आई थिंक हमने मूवी अब तक देखी नहीं है वो पर काफ़ी लोगों के व्यूज जो थे ना 50-50 थे कुछ लोग कह रहे थे अच्छी थी कुछ लोग कह रहे थे इतनी भी अच्छी नहीं थी हाँ. तो वो बहुत 50-50 पर चला गया था ये पर ये तो नहीं कह सकते प्रभास की एक्टिंग पर क्योंकि उसकी एक्टिंग हमेशा से अच्छी रही है जो उन्होंने साउथ मूवी की है उसमें भी और यहाँ पर भी अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो आई थिंक ये तेलुगु में शायद ही रिलीज हो रही है यहाँ मेंशन नहीं है अब किस पर हुई है ये तो नहीं पता तो स्टार्ट करें वाओ लाइक इट राधा कृष्णा उसके सामने से थी भी देखे हुए हैं कि वो जिस तरह पर पहला जो पोस्टर था वो एक ऐसा लग रहा था कि वो शायद बहुत पुराने ज़माने की जो मूवीज़ होती है ना बिल्कुल वैसे यहाँ पर भी दिखाया गया पुराने ज़माने से स्टार्ट किया गया पर आप नोट कर रहे हो कि जब एंडिंग में जब लड़की आई ना और वो जो नीचे थे तो ऐसा लगता अब न्यू ये भी न्यू हो गया मतलब जनरेशन में कुछ मतलब शायद स्टेप बाय स्टेप बता रहे थे या जन्म के बारे में थे या पता नहीं किस लव स्टोरीज के बारे में थे या बोलते ना कि क्या बोलते हैं जिसको जन्मों का प्यार इस टाइप से और लिंक बनाते हैं कुछ पुराने जमाने के मुझे लग रहा है कि शायद मे भी शायद वहां से स्टार्ट कर रहे हैं पुराने जनरेशन से लेके वो लाइक टिल नाउ का दिखा रहे थे हां मुझे यही लग रहा है कि शायद ऐसी लव स्टोरीज होने वाली है जो पुराने से लेकर एंड देन वो आ गए हैं नई जनरेशन में मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये हो सकता है पर आई एम नॉट श्योर जब ट्रेलर आएगा लेट्स सी बस मैं तो मूवी का वेट कर रही हूँ अब ट्रेलर से थोड़ा थोड़ा समझ आया थोड़ा नहीं भी आया लेकिन मूवी जब देखेंगे हाँ तो उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरीके की मूवी मूवी है और क्या सीन्स है इसके अंदर सो मूवी का वेट करते हैं और हमारी रिक्वेस्ट यही है कि ये प्लीज हिंदी में हो कुछ भी हो हिंदी में हो बस ये चाहिए हमको फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाता है एक्चुअली मेन इशू ये होता है ना कि जब वो मूवी आती है उसको डब होने में टाइम लगता है तब तक वो पुरानी हो जाती है तब तक लोग बातें करना शुरू करते हैं ये भी अच्छी मूवी ये सीन अच्छा था वो सीन अच्छा था और सस्पेंस होता है ना वो भी खराब हो जाता है वो फिर हम एंड में रह जाते हैं कि अब क्या करें क्योंकि बहुत सारी मूवीज है साउथ की मूवीज स्पेशली जो हमने इतनी पुरानी 5-6 साल हम अभी तक देख रहे होते हैं मैं यूट्यूब में देख रही हूँ ये कब मूवी आई जब मैंने सर्च करती मैंने कर लिया 2 साल पहले आ चुकी है ये सीरियसली स्पेशली महेश राम जो ऐसे थे बिग बिग स्टार्स हैं उनकी मूवीज में बहुत ज़्यादा बहुत मजे से देखती हूँ मैं और जब मालूम पड़ता है मैंने कहा चलो कोई बात नहीं मेरे लिए तो नहीं है ना हाँ मेरे लिए तो नहीं है ना
सो खैर गाइस, हम लोग को तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा और आई होप आगे भी चीज़ें आएंगी तो हमें और भी मज़ा आने वाला है. तो गाइस इस तरह से हमें देखते रहिए, हमारे रिएक्शन को देखें, और गाइस प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन.